वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में, स्टारिंग मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और चिन्मय मंडलेकर। फिल्म जो है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा डायरेक्टेड एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो कि आधारित है 1990 में हुए हमारे कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर। फिल्म जो है तकरीबन 3 घंटे के आसपास की है, जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसे आज मैं जो है एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। ऑनेस्टली कहता हूं कि फिल्म 3 घंटे के अंदर हमें जिन चीजों को दिखाती है, जिन चीजों का एहसास कराती है, उसे एक लाइन में डिस्क्राइब कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। सच बोलूं तो फिल्म अपने पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक जिस तरीके से जिन जिन चीज़ों को हमारे सामने रखती है, वो सही में बहुत ही भयानक था। एक पल को अगर ये कोई फिक्शनल स्टोरी होती ना, तो हम सोच भी लेते कि चलो ठीक है, फिल्म है। पर ऑनेस्टली मैं एक पल के लिए भी इससे जो है एक फिल्म की तरह नहीं देख रहा था। मैं इसे एक सच्चाई के तौर पर देख रहा था, क्योंकि थिएटर के अंदर जाते ही पता चल जाता है कि पर्दे पर जो चीज़ें हमें आज देखने को मिलने वाली हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो सच्चाई हैं। और ये जो एक सच्चाई इस कहानी के साथ, इस फिल्म के साथ जुड़ती है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका जो इंपैक्ट है वो हमारे ऊपर और तगड़ा करती है। एक सेकंड के लिए भी अगर हम अपने आप को उस परिस्थिति के अंदर डाल के देखेंगे ना, तो रूह कांप उठेगी। फिल्म अपने ट्रेलर से जिस चीज का भरोसा दे रही थी कि ये फिल्म जो है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इस पूरी घटना को हमारे सामने रखेगी, वो जो ऑनेस्टी है 3 घंटे की इस फिल्म के अंदर हमें पूरी तरह से देखने को मिलती है। फिल्म की एक सबसे अच्छी चीज जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो मुझे ये लगी कि यहां पर फिल्म की पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को एक यंगस्टर को जो है सेंटर में रखते हुए प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के अंदर जो दर्शन कुमार का कैरेक्टर है, कृष्णा नाम का, उसे यहां पर सेंटर में रखकर जिस तरीके से इस पूरी कहानी को नरेट किया गया है, वो आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे दो अच्छी चीजें ये हुई कि इस कहानी को एक अच्छा नरेशन मिला, एक फिल्म के तौर पर एक अच्छा नरेशन मिला। दूसरी तरफ यहां पर जो यूथ को सेंटर में रखा गया है, उससे जो है यंगस्टर को एक मैसेज जाता है कि जो वो यंगस्टर्स जो आज की डेट में जिनका ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान हो गया है, उनके लिए जो है एक रेड अलर्ट का एक मैसेज जाता है कि यार संभल जाओ, अगर नहीं संभलोगे तो हालात कितने बुरे हो सकते हैं। तो वो जो चीज है इस फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई। साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि फिल्म के अंदर जितनी घटनाओं को यहां पर दिखाया गया है, सभी को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही रियलिस्टिक वे में और बहुत ही ब्रूटल वे में जो है यहां पर प्रेजेंट किया गया है। कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे थे कि जिन्हें पूरा देख पाना भी जो है मेरे लिए पर्सनली बहुत ही मुश्किल था, पर क्योंकि मुझे जानना था, मुझे देखना था कि आखिरकार क्या हुआ है, इसलिए मैंने उन चीजों को देखा। और वो चीजें जो थी सही में बहुत ही खौफनाक थी। स्पेशली आपको क्लाइमेक्स के आखिरी 10-15 मिनट के अंदर जो एक फ्लैशबैक, आखिरी फ्लैशबैक देखने को मिलता है ना, आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए ना, तब बोलिए। मतलब कोई हो नहीं सकता कि किसी की आंखों में आंसू ना आ जाए। इसके अलावा दूसरी तरफ फिल्म के क्लाइमेक्स से ठीक पहले हमें एक स्पीच जो है वो सुनने को मिलती है। अब उस स्पीच के अंदर एक चीज मैं कहूंगा कि वहां पर कश्मीर को डिस्क्राइब जिस तरीके से किया गया है ना, ऑनेस्टली कहता हूं इतनी फिल्में देखी हैं, कश्मीर को बहुत बार कहा जाता है कि जन्नत है, वो जन्नत क्यों है, उसे जिस तरीके से इस फिल्म के प्री क्लाइमेक्स स्पीच के अंदर बताया गया है, वो सही में आउटस्टैंडिंग था। मतलब आप प्राउड फील करोगे, आप इमोशनल हो जाओगे और एक पल को तो गूजबम्स भी आ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर इस फिल्म के अंदर निकल के आई, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव मैं कह सकता हूं, और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। इवन कुछ डायलॉग्स को अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के ही बोले गए कुछ स्टेटमेंट्स को जो है यहां पर इस फिल्म के अंदर डाला गया है। फिल्म जो है शुरू से लेकर अंत तक कहीं पर भी भटकती नहीं है, जिस मुद्दे पर यह फिल्म आती है उसी मुद्दे के साथ शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है, और यही इस फिल्म की जो है सबसे खास बात है। और मैं कह सकता हूं कि फिल्म जो है कहीं पर भी मुझे जो है डिसअपॉइंट नहीं करती है। फिल्म के अंदर सुनाई देने वाला बीजीएम बहुत ही बेहतरीन है, इमोशनल सीन्स में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सिनेमेटोग्राफी और जो कलर टोनिंग यहां पर दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं उस माहौल को जो है हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर कहें कि बहुत ही परफेक्ट वे में जो है यहां
पर प्रेजेंट करती है। परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर कह सकता हूं कि ट्रेलर के अंदर मुझे दर्शन कुमार की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी कुछ खास नहीं लग रही थी, पर इस फिल्म के देखने के बाद कहना चाहूंगा कि उनका काम फिल्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया है। मतलब उनका जो कैरेक्टर लिखा गया है वो वैसे कैरेक्टर्स जो है आप रियल लाइफ में आज की डेट में सोशल मीडिया पर बहुत जगह देखोगे। मतलब जिस तरीके से भी जो चीजें ब्रेन वॉश वगैरह चीजें जो सिर्फ चीजें दिखाई गई हैं वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। तो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, परफॉर्म उतनी अच्छी तरीके से वहां पर किया गया है। दूसरी तरफ फिल्म में जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है अनुपम खेर की परफॉर्मेंस। कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मतलब देखते ही बनता है। एक सीन है जहां पर वो मैं पूरी तरीके से बताऊंगा नहीं, वो एक बिस्किट को चाट रहे होते हैं, वो सीन मतलब आप देखोगे ना सही में रो दोगे। मतलब इस लेवल की वहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। बाकी लोगों ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। दर्शन कुमार की जो माँ का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है उनका काम भी फिल्म के अंदर मुझे काफी अच्छा लगा। ओवरऑल ये फिल्म वैसी ही फिल्म निकली जो हमने इसके ट्रेलर से उम्मीद रखी थी, और कहने की जरूरत नहीं है ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। इसे आप देखोगे तो कह सकते हैं कि आप ऐसा बहुत कुछ जानोगे जो शायद आज तक आपने कभी ना सुना हो ना देखा हो। तो मेरे तरफ से तो मैं कहूंगा कि आपको फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।